morning, student. Student, today start human reproduction. आप जानते हैं कि जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे ये क्लास 12 की चैप्टर नंबर 3 जो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन. ह्यूमन रिप्रोडक्शन आप जानते हैं कि इस चैप्टर को अगर हम अपनी तरफ से देखूं तो ऐसा लगता है कि एक नॉर्मली स्टूडेंट के लिए भी जरूरी है कि इससे हमारा बेसिक नॉलेज जो है वो बढ़ता है. उसके अलावा आप जानते हैं कि इस चैप्टर पे हमारा कमांड होना चाहिए क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है. तो आप जानते हैं कि हम टू दी पॉइंट जो है वो डिस्कस करेंगे, जो हमारा एक बेसिक होगा तब जाकर के आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर होगा. आप जानते हैं कि अगर ह्यूमन बीइंग्स की बात करें तो ह्यूमन बीइंग्स जो है आप जानते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है. क्या करता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है. जिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा हमारा लाइफ जो है, लाइफ का एग्जिस्टेंस होता है, लाइफ का फॉर्मेशन होता है. इसलिए कहा जाता है कि हम लोग जो है वो क्या है, वीवीपेरस है. क्या हम लोग? वीवीपेरस. आपने वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ा होगा एनिमल किंगडम में कि एक था ओवीपेरस और दूसरा यहां क्या है, वीवीपेरस. तो हम लोग क्या है, वीवीपेरस है, जो हम लोग यंग वंस को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं. यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए हम लोग क्या, वीवीपेरस. तो ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसके द्वारा लाइफ का प्रोडक्शन होता है और वो लाइफ का प्रोडक्शन एक फिक्स टाइम है. ये हमारा जो लाइफ का जो एग्जिस्टेंस होता है ये रिप्रोडक्शन के द्वारा ही होता है. आप जानते हैं कि ये जो हमारा लाइफ एग्जिस्ट है वो बर्थ से लेकर के, बर्थ से क्या होता है, डेथ तक होता है. ये बर्थ से लेकर के जो डेथ पीरियड है इसको लाइफ स्पैन कहा जाता है. क्या कहते हैं इसको? लाइफ स्पैन कहा जाता है. जो किसी का हो सकता है 45 ईयर्स, किसी का आ जाता है 70 ईयर्स. ये हमारा फिक्स है, ये हमारे एग्जिस्टेंस के लिए क्या है, ये रिप्रोडक्शन जरूरी है, जिसके वजह से क्या होगा, ऑफ स्प्रिंग का फॉर्मेशन होगा. तो ये ह्यूमन बीइंग्स की बात करें. अब क्या है, आप जानते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स में दो तरह का रिप्रोडक्टिव फेज होता है. ये जो रिप्रोडक्टिव फेज है एल है, एक है मेल रिप्रोडक्टिव फेज, दूसरा क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव फेज. ये जो फेज है ये स्टार्ट होता है प्यूबर्टी एज से. कहां से स्टार्ट होता है? प्यूबर्टी एज से. जो जो प्यूबर्टी एज ये इंडिकेट करता है के गैमेट के फॉर्मेशन का. मतलब है जब प्यूबर्टी एज हो जाता है, चाहे वो मेल की बात हो चाहे फीमेल की बात हो, तो वहां क्या चीज का फॉर्मेशन होगा, गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा. तो ये जो रिप्रोडक्टिव फेज है वो स्टार्ट होता है एट प्यूबर्टी एज स्टेज. आप जानते हैं ना कि जब प्यूबर्टी एज होगा तब जाकर के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा. बगैर प्यूबर्टी एज का गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं हो सकता है. इसीलिए कहा गया है इसके बाद डिफरेंट लाइफ प्रोसेस है, डिफरेंट प्रोसेस है इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, कि डिफरेंट जो प्रोसेस है जिस प्रोसेस के जरिए क्या होता है ह्यूमन रिप्रोडक्शन का, वो प्रोसेस कंप्लीट होता है. डिफरेंट प्रोसेस है गैमेटोजेनेसिस, इंसेमिनेशन, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, जेस्टेशन, पाचुरेशन. तो हम इसलिए इस चैप्टर को एक बेसिक बना करके हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आप इसको पढ़ के ये जान सके आपका जो कंसेप्ट है, आपका जो हेजिटेशन है वो दूर हो जाए. तो इसीलिए हमने इस चैप्टर का लेआउट करके बताएंगे. आप जानते हैं कि रिप्रोडक्टिव फेज में प्यूबर्टी स्टेज स्टार्ट होता है. उसके बाद है गैमेटोजेनेसिस में. आप जानते हैं गैमेटोजेनेसिस क्या होता है, दो तरह का गैमेटोजेनेसिस होता है.
ए को कहते हैं मेल गैमेटोज, ए को कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, और दूसरा क्या कहते हैं ऊजेनेसिस, जिसमें स्पर्म का फॉर्म होगा उसको स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाता है। क्या कहते हैं? फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, देयर आर टू टाइप ऑफ द प्रोसेस इन्वॉल्व, स्पर्मेटोजेनेसिस या ऊजेनेसिस, इसमें स्पर्म का फॉर्मेशन होगा उसको स्पर्मेटोजेनेसिस कहेंगे, जिसमें उगोनियम का उगोनिया या ओवम का फॉर्मेशन होगा उसे क्या कहेंगे, ऊजेनेसिस कहेंगे। ये जो हमारा गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस है वो किसके द्वारा फॉर्मेशन होता है, गैमेट्स के जरिए। उसके बाद आप देखते हैं कहा जाता है इनसेमिनेशन, इनसेमिनेशन में क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इन टू द जेनाइटल ट्रैक्ट। आप जानते हैं ना कि बगैर स्पर्म के ट्रांसफर के फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, बगैर स्पर्म के ट्रांसफर के किसी ऑफ स्प्रिंग का प्रोडक्शन नहीं होगा। तो ये कंपल्सरी है कि ये जो इंसेमिनेशन प्रोसेस है, जब तक आप स्पर्म को ट्रांसफर नहीं करें तो ट्रांसफर कहां करना है, इन टू द जेनाइटल ट्रैक्ट, कहां करना है, इन टू द जेनाइटल ट्रैक्ट, जेनाइटल ट्रैक्ट में ही ये इंटर करके आप वहां फर्टिलाइजेशन करा सकते हैं। वहां फर्टिलाइजेशन होता है तब जाके क्या होता है, किसी मेल और फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन। अब ये चीज देखिए, यहां पे ये जो प्रोसेस है फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स का फ्यूज करेगा। आप जानते हैं कि अगर कहा जाए ये सारा जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस मतलब जो फ्यूजन हो रहा है इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मतलब ये जब फ्यूजन होगा मेल और फीमेल फीमेल गैमेट्स का तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। तो कब होगा, आप जानते हैं जब आप इंसेमिनेशन करते हैं स्पर्म का, कहां, जेनाइटल ट्रैक्ट में, जेनाइटल ट्रैक्ट में जैसे ही जाएगा तो वो जो आपका फर्टिलाइज करेगा, फर्टिलाइज कहां करता है, आप जानते हैं कि ये जो आपको ये शॉर्ट आउट इसलिए किया गया है, जब आप सारे जो प्रोसेस है वो आपको अलग अलग पढ़ना होगा, ये अलग अलग पढ़ेंगे जब तब जाके आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो यहां कहा जा रहा है कि ये जो इम्प्लांटेशन है, इम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। इम्प्लांटेशन में क्या होता है, इम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, यहां क्या कर रहा है, फर्टिलाइजेशन कब होगा, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, जब मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज करेगा, फ्यूज करने के बाद क्या होगा, वहां जायगोट का फॉर्मेशन होता है। कहां होगा ये फ्यूजन, कहां होगा वो, ये फर्टिलाइजेशन कहां हो रहा है, ये फॉलोपियन ट्यूब, आप जानते हैं ना फीमेल रिप्रोडक्टिव का जो आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो वो पार्ट होता है जहां फर्टिलाइजेशन होता है, उस फर्टिलाइजेशन जो प्लेस है उसको कहा जाता है फॉलोपियन ट्यूब। आप ये डिटेल पढ़ेंगे कि फर्टिलाइजेशन मतलब फॉलोपियन ट्यूब्यूल में नहीं होता है, फॉलोपियन सीप जो है ये फॉलोपियन ट्यूब्यूल में नहीं होता है, बल्कि इसका जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कहां हो जाता है, इस अम्फुलारी इस्मत जंक्शन के पास। हम तो इस सीप ये कह गया कि फर्टिलाइजेशन कहां होगा, ये फॉलोपियन पार्ट में होगा फीमेल के, लेकिन किस पार्ट में होगा, जहां एम्पुलरी रीजन हो, एम्पुलरी रीजन होगा, जहां इस्मत रीजन होगा, वो दोनों के जंक्शन के बीच क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। तीसरा प्रोसेस है, तीसरा प्रोसेस कहा जाता है इम्प्लांटेशन। यहां आप जानते हैं कि जब फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, जायगोट का फॉर्मेशन होता है। इम्प्लांटेशन किसको कहेंगे, इम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जब जायगोट का डिवीजन होने लगेगा, स्टेज बाय स्टेज इसका डिवीजन होता है, और ये इसका जो डिवीजन होता है, जहां जायगोट डिवाइड करके दो सेल का फॉर्मेशन करता है, वो एक सेल है जिसको ट्रोफोप्लास्ट कहा जाता है। वो ट्रोफोप्लास्ट क्या करता है, ये ट्रोफोप्लास्ट जो है ये यूट्रस में जाकर के चिपक जाता है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इम्प्लांटेशन करते हैं। इम्प्लांटेशन का मतलब ये हुआ कि जहां जायगोट डिवाइड इम्ब्रियो का फॉर्मेशन हुआ, वो इम्ब्रियो क्या होता है, यूट्रस या यूट्रिन वाल में के अंदर जाकर के क्या होता है, चिपक जाता है। इसलिए इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इस प्रोसेस को इम्प्लांटेशन कहा जाता है। क्लियर है, मतलब ये कहा गया
कि फर्टिलाइजेशन के बाद क्या चीज का फॉर्मेशन होता है, जायगोट का फॉर्मेशन होता है। जब जायगोट का फॉर्मेशन होगा तो ये जायगोट का डिफरेंट स्टेज में डिवीजन होने लगता है, 2, 4, 18 सेल स्टेज, डिफरेंट स्टेज में क्या होता है उसका डिवीजन होने लगता है। ये जाकर के क्या होगा, यूट्रस में जाकर के चिपक जाता है और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इस प्रोसेस को कहा जाता है इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन में क्या होगा, जब इम्ब्रियो को हम यूट्रस में जाकर के इम्प्लांट कर दिया जाता है, फिक्स कर दिया जाता है, उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस है उसको कहा जाता है जेस्टेशन पीरियड। क्या बोलते हैं इसको, ये जो यहां चिपकने के बाद जब इम्ब्रियो का डिवीजन होता है और इम्ब्रियो यहां चिपक जाता है तो इसका जो डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, जेस्टेशन पीरियड किसको कहा जा रहा है, इम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को। इम्प्लांटेशन का किसको कहा जा रहा है, जहां इम्ब्रियो को डेवलप, जहां से इम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, कि जहां से जब डेवलपमेंट स्टार्ट होगा डिफरेंट स्टेज में डिवीजन होता है और इस स्टेज को क्या कहा जाता है, इम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कहता है। इस पीरियड को क्या कहता है, जेस्टेशन पीरियड कहा जाता है। मतलब जितना भी आपका जो स्टेज है, जब फर्टिलाइजेशन होता है तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, जायगोट का फॉर्मेशन होता है, जायगोट का फॉर्मेशन ये डिफरेंट मल्टीसेलुलर सेल में डिवाइड कर जाता है, तब जाकर इम्ब्रियो क्या होता है, यूट्रस में इम्प्लांट या उसको चिपक जाता है, इस प्रोसेस को आ जाता है इम्प्लांटेशन। किसको करेंगे, अब यहीं से स्टार्ट होता है, धीरे धीरे वो क्या होता है, इसका इस इम्ब्रियो का डेवलपमेंट क्या होता है, ये फुली मैच्योर्ड हो जाता है, तो उस स्टेज को किस क्या कहेंगे, उस स्टेज को जेस्टेशन पीरियड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जेस्टेशन पीरियड होता है। कहां डेवलप हो रहा है, यूट्रस में। जब ये फुली डेवलप हो जाएगा ऐसे स्टेज को कहा जाता है क्या, जेस्टेशन। नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, नेक्स्ट प्रोसेस पार्चुलेशन। जब यहां फीटस इम्ब्रियो का जो डेवलप फॉर्म है वो जब फीटस का फॉर्मेशन करता है, वो फीटस क्या होता है, जब फुली डेवलप हो जाता है तो फुली डेवलप होने के बाद जब फीटस रेडी टू एक्सपेल्ड आउट, वहां रेडी हो जाता है बाहर जाने के लिए, तो ऐसे प्रोसेस को क्या कहते हैं, पार्चुलेशन कहा जाता है। मतलब डिलीवरी ऑफ द बेबी के, यहां रेडी है और यहां से जो है फुली डेवलप जो फीटस है वो बाहर आएगा, इस प्रोसेस को कहा जाता है पार्चुलेशन। तो आप जानते हैं यहां पे ये जो डिफरेंट प्रोसेस है, आपको ये अलग अलग सबके बारे में जानना है, कंफ्यूज नहीं होना है। गैमेटोजेनेसिस अलग पढ़ना है, इंसेमिनेशन अलग पढ़ना है, फर्टिलाइजेशन अलग पढ़ना है, इम्प्लांटेशन अलग पढ़ना है, जेस्टेशन अलग पढ़ना है, पार्चुलेशन अलग पढ़ना है। तो ये जो हमारा जो बेसिक जो नॉलेज है, ये जो बेसिक जो कंसेप्ट है, इसके जानने के बाद आप जो डिफरेंट सेपरेट चैप्टर का जो आप पढ़ेंगे तो आपका कंसेप्ट क्या होगा वहां क्लियर हो जाएगा। तो ये डिफरेंट स्टेज किस तरह से ह्यूमन बींग्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वहां स्टार्ट होता है और उसके जरिए क्या होता है कि प्रोड्यूस होता है ऑफस्प्रिंग का, उसके बाद रिप्रोडक्टिव फेज होता है। रिप्रोडक्टिव फेज क्या होता हुआ, आज प्यूबर्टी स्टेज। एक चीज जानने की चीज है, यहाँ पे कहा जाता है कि पहले जमाने जो था वो आदमी जब प्यूबर्टी स्टेज में होता था तो उसका मैरिज, उसकी मैरिज पहले ही हो जाती थी। लेकिन आज के डेट में क्या होता है, पहले के कंपेरिजन में और आज के कंपेरिजन में कितना डेवलप है, आज लोग जानते हैं कि अगर हम 18 इयर्स में मैरिज होती है तो आप जानते हैं वहां उसका यूट्रस क्या होगा, फुल्ली मैच्योर्ड होगा, फुल्ली डेवलप्ड होगा। लेकिन अगर उस कम एज में, अगर मान लें 12 और 30 एज में होता है तो वजह क्या है, ये तो फर्टिलाइज कर सकता है लेकिन इस स्टेज में ये जो यूट्रस वाल होगा, ये जो यूट्रस होगा वो क्या होगा, वो डेवलप नहीं होगा, इमैच्योर हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है 18 इयर्स में अगर होता है तो वहां पे यूट्रस का कोई प्रॉब्लम नहीं आता। तो स्टूडेंट आप जानते हैं कि ये सब प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप लेआउट किया है, जिसके वजह से डिफरेंट जो प्रोसेस है उसको आप पढ़े और कंप्लीट आपका इससे क्या होगा, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब एक चीज है यहां पे क्या है, आप जानते हैं कि कुछ टेक्निकल वर्ड्स है उसको भी जानना जरूरी है। क्या आप जानते हैं कि इम्ब्रियो क्या होता है, आप जानते हैं कि फीटस क्या होता है, आप जानते हैं कि इन्फेंट क्या होता है,
आप जब जानते हैं कि जब जायगोट का डिवीजन होता है और वहां जो ट्रोफोब्लास्ट है वो फिक्स हो जाता है, कहां यूट्रस से जाता है, तो आपने क्या कहा, ये जायगोट के डिवीजन से आपका एम्ब्रियो का डेवलपमेंट करता है। तो ये जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट है अप टू एट वीक्स को क्या कहेगा, अप टू एट वीक्स को एम्ब्रियो कहा जाता है। क्या कहेंगे इसको, एम्ब्रियो कहा जाता है। और दूसरा है फीटस, पहला एम्ब्रियो, फीटस क्या है अप टू एट वीक्स आप उसको कह रहे हैं कि एम्ब्रियो। आफ्टर एट वीक को फीटस कहा जाता है। और उसके बाद का जो स्टेज होता है वो होता है इन्फेंट। जब यहां एम्ब्रियो फुली डेवलप हो जाता है और जो फीटस के फॉर्म में होता है, और फीटस है ये रेडी होता है एक्सपेल आउट होने के लिए। एक्सपेल आउट होगा तो डिलीवरी के अप टू 4 वीक्स तक के स्टेज को आप इन्फेंट कहते हैं। और उसके बाद वाला जो स्टेज आता है उसको आप क्या कहते हैं, जायगोट। ये इसलिए कहा गया है, ये हमें जनरल आइडिया देता है कि एम्ब्रियो किसको कहेंगे, फीटस किसको कहेंगे, इन्फेंट किसको कहेंगे, तब जाके हमारा क्या होता है, कंसेप्ट क्लियर होता है। आप नेक्स्ट क्लास में चलेंगे तो ये सेपरेट एक अलग अलग सारे प्रोसेस को आपको क्या है जानना है। तो नेक्स्ट डे हम डिफरेंट जो प्रोसेस है ये सेपरेट आपका क्या होगा वो एक्सप्लेन किया जाएगा। तो थैंक यू स्टूडेंट।